कहीं झंडा मेला लगे श्री राम बोलने के लिए और कहीं मेला लगे शंकर बोलने के लिए, आप वही झंडा उठाने का हम लोग काम करते हैं। गौतम जगे तो महात्मा बुद्ध बने, अशोक जगे तो सम्राट बने, हम देवघर जगे तो संविधान लिखे। मेरे साथियों आप लोग जगिए तभी राजनीति का कार्य सफल होगा, नहीं जगिएगा तो नहीं होगा। माइनॉरिटी के खासकर लोगों को न्यायपालिका में कोई भी जगह नहीं दिया जाता है। जब इतनी बहुसंख्यक आबादी 80% को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में उच्च स्थान नहीं दिया जा रहा, तो ये कैसे संभव है कि देश का विकास होगा? तो आज सबसे बड़ा मुद्दा है, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है तो हाथ खड़े करके बताइए। ये हम सबकी लड़ाई है और न्यायपालिका में भी कुछ हमारे साथ एडवोकेट भी हैं जो इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। मैं यहाँ के आयोजकों का और ज्योति माला जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। हम लोग बहुजन हो करके भी हम लोग बहुत कम संख्या में कहीं भी उपस्थित होते हैं। नजारा सभी लोग देखते हैं, झंडा सभी लोग उठाते हैं, लेकिन कदम में कदम मिला करके चलने के लिए हम लोग पीछे हो जाते हैं। आज सभी जगह देखिए कलेजियो सिस्टम, जो हमारे वकील साहब आए थे बहुत कुछ कहे। कलेजियो सिस्टम अगर लागू होगा तो हमारे सभी समाज के लोग को जो लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे समाज में हैं या हमारे बहुजन समाज में हैं, सभी लोग की पंक्तियाँ एक लाइन में आ जाएगी। जिस तरह सभी का इंटरव्यू होता है, आईएएस में लोग जाते हैं, बीपीएससी में लोग जाते हैं, टीचर में जाते हैं, सभी का एग्जाम होता है, लेकिन यह कहाँ छुपा हुआ है? यह किस घर में बंद है? अंधेरी कोठरी में बंद है। कलेजियो सिस्टम क्यों नहीं लागू होती है? संविधान हमारे समाज में सभी लोग मंदिर में जाते हैं, लेकिन संविधान घर में कोई नहीं पढ़ पाता है। पहले तो हम लोग को इस देश का होगा कि संविधान पढ़ करके अपना हक और हकूक की लड़ाई किस तरह लड़ना पड़ेगा। हम लोग पहले उस चीज को जाने और समझे। ऐसा ही हम लोग जानते हैं कि बुल्लू झंडा अम्बेडकर जी का था। अम्बेडकर जी बहुत कष्ट से, बहुत मेहनत करके संविधान को लिख दिए, लेकिन संविधान को बहुजन समाज में कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग जानते हैं? लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कुर्सी छीनने के लिए, पंक्ति में आने के लिए अग्रिम पंक्ति में हमारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। या तो झंडा उठाएंगे, कहीं झंडा मेला लगे श्री राम बोलने के लिए और कहीं मेला लगे शंकर बोलने के लिए, आप वही झंडा उठाने का हम लोग काम करते हैं। आप लोग यहाँ दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप लोग जहाँ भी रहे वहाँ अम्बेडकर का मूर्ति लगाए, महात्मा बुद्ध का मूर्ति लगाए, अशोक सम्राट का मूर्ति लगाए और इन्हीं के कार्यकला पर चढ़ने का आज कसम खा लीजिए कि हम लोग कहीं ना कहीं मीटिंग में इतना बड़ा हॉल में बैठे हैं, तो हम लोग किस व्यू से बैठे हैं, क्या करने यहाँ आए हैं? बहुजन समाज और मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं और उसी में छट जाते हैं। बड़ी अफसोस होती है कि हमारे लोग उसमें नहीं आते हैं। आखिर क्यों नहीं आते हैं, इस पर भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अम्बेडकर जी की कथनी आप लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं उसने कभी पत्रकार उनसे पूछा था, घूम घूम करके देखा विधानसभा जब चल रहा था, संविधान लिख रहे थे, जवाहरलाल नेहरू के पास गए पत्रकार, इनके पास गए, उसके बाद इनसे पूछा गया कि आप 1:30 बजे और 2 बजे रात्रि में क्या कर रहे हैं? अम्बेडकर जी बोले थे, मेरे लोग सो रहे हैं इसलिए हमको जगना पड़ रहा है। मेरे साथियों आप लोग जगिए तभी राजनीति का कार्य सफल होगा, नहीं जगिएगा तो नहीं होगा। कभी अशोक सम्राट के बारे में आप लोग पढ़िए, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़िए, अगर कहीं ना कहीं गौतम जगे तो महात्मा बुद्ध बने, अशोक जगे तो सम्राट बने, हम देवघर जगे तो संविधान लिखे। उसी तरह आप लोग निर्णय ले लीजिए,
और यहाँ से जाइए और इनके काज कलापों को आप लोग सोचिए। जय हिंद, जय भारत, जय बहुजन समाज। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।